हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम द एम्बुश इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.7। तो देखते हैं फिल्म के अंदर क्या है। यमन नाम का देश है और साल है 2015 का। कई वर्षों की नागरिक अशांति के बाद अल हाउथी मिलिटिया ने यमन सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था। उन्होंने लगभग पूरा देश अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसी वजह से लड़ाइयाँ शुरू हो गई है, जिसमें निर्दोष लोगों की जान जा रही है और इस वजह से बहुत सारे समाज विरोधी ग्रुप ताकतवर हो गए हैं। तब यमन सरकार ने अपने सहयोगी देशों से मदद मांगी, तो उसमें UAE भी इनकी मदद करने के लिए आगे आई। 3 सालों बाद भी ये लड़ाई जारी है। आज दिन है 18 फरवरी 2018 और जगह है मोचा बेस कैंप। यहाँ पर UAE के सोल्जर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ अली और फलासी नाम के सोल्जर्स के बीच बहस हो जाती है। अपने घर से दूर है ये लोग और अपने परिवार को याद कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद गश्त लगाने के लिए 2 गाड़ियों में बैठकर कैंप से कुछ सैनिक निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अली को उसके फोन पे मैसेज मिलता है कि उसकी बीवी की तबीयत खराब हो गई है। इससे वो काफी परेशान हो जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने पे इन्हें कुछ यमन के सोल्जर्स मिलते हैं। उनकी गाड़ी खराब हो गई है, तो उनकी मदद के लिए इनकी दूसरी गाड़ी वहीं पर रुक जाती है और सिर्फ एक ही गाड़ी आगे निकल जाती है और आगे जाकर वहाँ के गांव वालों को जरूरत का सामान ये लोग दे देते हैं, जो इन्होंने अपने साथ लाया था इनके लिए। और यहाँ पर एक बुजुर्ग चरवाहा इनको बताता है कि कुछ दूरी पर पहाड़ों में दुश्मन छुपे हुए हैं। तो ये लोग उन दुश्मनों की तलाश में उनकी तरफ आगे निकल पड़ते हैं। तभी अचानक इनके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। ये लोग उसे निशाने पे लेने ही वाले थे कि दूसरी तरफ से इन पर बम से और RPG से हमला होने लगता है। तुरंत ये लोग अपने साथ वाली दूसरी गाड़ी से कांटेक्ट करके इसकी जानकारी दे देते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। ये जगह पहाड़ों में होने की वजह से हर तरफ यहाँ पर पत्थर है, जिसमें इनकी गाड़ी फंस जाती है। लगातार हर तरफ से इन पर जोरदार फायरिंग हो रही है। किसी तरह बड़ी मुश्किल से फंसी हुई इनकी गाड़ी बाहर निकलती है, लेकिन लैंड माइन पे जाने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और इनकी गाड़ी में आग लग जाती है। और दूसरी तरफ इनके साथ में जो दूसरी गाड़ी थी, जो इनकी मदद के लिए आ रही थी, उन पे भी दुश्मन RPG से हमला कर देते हैं, जिससे वो गाड़ी भी वहाँ पर फंस जाती है। इस हादसे की जानकारी मोचा बेस कैंप में मिल जाती है, तो इनको बचाने के लिए सोल्जर्स गाड़ियाँ लेकर इनकी तरफ निकल पड़ते हैं। इधर फंसी हुई पहली गाड़ी, जिसमें अली है, इनके नजदीक दुश्मन जमा हो रहे हैं और यही पर इन पर एक दुश्मन स्नाइपर नजर रखे हुए है। अली और उसके साथ ही अपने मोबाइल चेक करते हैं, किसी को मदद के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि धमाके की वजह से इनका रेडियो काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन इनके मोबाइल में इनको नेटवर्क नहीं मिलता। सभी घबराए हुए हैं और अपने अपने परिवारों की तस्वीरें देख रहे हैं। इनके साथ वाली जो दूसरी गाड़ी है, इनसे कुछ दूरी पर दुश्मनों के बीच फंसी हुई है। उनका बेस से आने वाली टीम से कांटेक्ट हो जाता है और इस दूसरी गाड़ी को पीछे हटने के ऑर्डर्स बेस कैंप से मिल जाते हैं। साथ ही इनकी मदद के लिए एक ड्रोन भी भेज दिया जाता है। अली की गाड़ी पे लगातार RPG से हमला हो रहा है। ये पूरा हमला दुश्मन अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है। एक ब्लास्ट में इनकी गाड़ी में एक सोल्जर है, जिसका नाम हिंसी है, वो बहुत घायल हो जाता है। अली और उसके साथ ही हिंसी का खून रोकने की कोशिश करने लगते हैं और दूसरी तरफ बेस कैंप से आई हुई टीम अली की गाड़ी के नजदीक पहुंच जाती है। ये सभी टीम एक जगह पर रुक जाती है। यहाँ हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जिन पे से दुश्मन इन पर नजर रख रहा है। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि बेस कैंप की टीम यहाँ पर आ गई है, दुश्मन तुरंत अली की गाड़ी के आजू बाजू में लैंड माइंस बिछाना शुरू कर देते हैं। गश्ती दल की दूसरी गाड़ी, जिसे पीछे हटने के ऑर्डर्स दिए गए थे, वो पीछे हटकर बेस कैंप से आई हुई टीम के साथ जुड़ जाती है। इस गाड़ी में लगी हुई आग को भी बुझा दिया जाता है। तभी दुश्मन इन पर भी बमबारी शुरू कर देता है। बेस से आई हुई टीम का कमांडर बेस कैंप में कॉन्टैक्ट करता है, तो बेस कैंप से कर्नल कहता है कि गश्ती दल के सोल्जर्स को बचाना बहुत जरूरी है। वो सोल्जर्स UAE से है, यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, उन्हें हर हालात में बचाना जरूरी है। कमांडर समझ चुके हैं कि ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है कि दुश्मन की तादाद कितनी हो सकती है, और इस हमले के लिए उन्होंने काफी तैयारी की है। उधर अली की गाड़ी में एक मोबाइल में नेटवर्क मिलने लगता है, तो ये लोग तुरंत हेडक्वार्टर फोन लगाते हैं और जल्द से जल्द मदद भेजने के लिए कहते हैं। फिर हिंसी अपनी माँ से फोन पे बात करता है। दरअसल वो बहुत घबरा गया है। कमांडर अपनी अकेली गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, तो दुश्मन उन पर मोर्टार बमों से हमला शुरू कर देता है।
जवाब में ये लोग भी दुश्मन पे फायरिंग करते हैं। अब तक यहाँ पर ड्रोन भी पहुँच जाता है जिससे इनको दुश्मनों की लोकेशन मिल जाती है और कमांडर वहाँ वापस आ जाता है जहाँ पर बाकी गाड़ियाँ थी। फिर बेस कैंप से एक अपाची हेलीकॉप्टर इनकी मदद के लिए भेज दिया जाता है और उधर अली की गाड़ी पे आरपीजी से हमला हो रहा है और अब बिलाल नाम का सोल्जर भी घायल हो चुका है और अब दुश्मन इनकी गाड़ी के नजदीक आकर इनको गाड़ी के बाहर आने के लिए कहते हैं तो अली दरवाजा खोलकर दुश्मन पे गोली चलाता है और ये मौका देखकर दुश्मन स्नाइपर अली पर गोली चलाता है लेकिन हेलमेट की वजह से अली बच जाता है। फिर दुश्मन लोग इनके गाड़ी के नीचे पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं जिससे धुआं इनके गाड़ी में घुसकर सोल्जर्स का दम घुटने लगता है। तब अली अपनी बीवी से फोन लगाकर बात करता है तो उसे उसकी बीवी से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अली उससे इस तरह से बात करता है जैसे वो समझ गया है कि वो मरने वाला है। उधर कमांडर अपने साथियों को दो गाड़ियां अली और अली के साथियों को बचाने के लिए भेजता है जिसमें डॉक्टर्स भी होते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर अली के गाड़ी के पास खड़े हुए सभी दुश्मन छुपने लगते हैं और इस बात का फायदा उठाकर अली और अली के साथी गाड़ी के बाहर निकलते हैं। दुश्मन इन पे लगातार फायरिंग कर रहा है। ये लोग भी जवाबी फायरिंग करते हैं और बहुत सारे दुश्मनों को मार गिराते हैं। तभी दुश्मन स्नाइपर अली को गोली मारता है और अली बहुत घायल हो जाता है लेकिन फिर भी दुश्मनों को मारने लगता है। दुश्मन स्नाइपर अली पर फिर से एक गोली चलाता है और अली की मौत हो जाती है और ये बिलाल देख लेता है। उधर कमांडर भी ड्रोन के कैमरे से ये सब देख रहा था। बिलाल, कमांडर और बेस कैंप पे कर्नल सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं अली की मौत से। थोड़ी देर बाद कमांडर में भेजी हुई दो गाड़ियां अली और उसके साथियों के पास पहुंच जाती हैं। इन पर दुश्मन जोरदार हमला कर रहे हैं। उनमें से डॉक्टर की गाड़ी ब्लास्ट की वजह से पलट जाती है और दूसरी गाड़ी भी ब्लास्ट के चपेट में आ जाती है और वहीं पर फंस जाती है। ये सब देखकर हिंसी निराश हो जाता है और उसे लगता है कि अब वो नहीं बचने वाला है लेकिन बिलाल उसे समझाता है कि फिक्र मत करो, हम बच जाएंगे। तभी वहां पर अपाची हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है और दुश्मन पे हमला करता है। दुश्मन के दो मोर्टार लोकेशन को नष्ट कर देता है और जोरदार हमला करता है। तभी दुश्मन स्नाइपर इनके और एक सोल्जर को निशाना बनाता है और इनको बचाने के लिए आए हुए सोल्जर्स गाड़ियों से बाहर निकलते हैं। तीसरे मोर्टार लोकेशन से अपाची हेलीकॉप्टर पर जोरदार आरपीजी फायरिंग होती है तो कर्नल अपाची हेलीकॉप्टर को वापस लौटने के ऑर्डर्स देते हैं। हेलीकॉप्टर के लौटते ही दुश्मन जमीन पर रास्ते में लैंडमाइंस बिछाने लगते हैं और ये ड्रोन की मदद से हेडक्वार्टर में पता चल जाता है और वो रेस्क्यू टीम को ये बात बताना चाहते हैं रेडियो के जरिए लेकिन रेस्क्यू टीम का रेडियो काम नहीं कर रहा है इसीलिए रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट नहीं हो पाता और रेस्क्यू टीम की दोनों गाड़ियां एक के बाद एक लैंडमाइन की वजह से ब्लास्ट हो जाती है और ये देखकर सभी सोल्जर्स निराश हो जाते हैं। अब कमांडर एक नया प्लान बनाते हैं। जो गाड़ियां ब्लास्ट की वजह से खराब हो गई है उनकी आड़ में अपने घायल साथियों को बचाना चाहते हैं। वो सभी गाड़ियों को लेकर आगे बढ़ते हैं और जल्द ही अली की गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। दुश्मन इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ये लोग बंद गाड़ियों की आड़ लेकर जवाबी हमला करते हैं जिससे बहुत सारे दुश्मन मारे जाते हैं लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। वो पहाड़ियों पर हर तरफ फैले हुए हैं। सोल्जर्स अब अपने साथियों को बचाने के लिए गाड़ियों के नीचे उतरते हैं और कुछ घायलों को गाड़ी के अंदर डालकर वहां से निकलने लगते हैं लेकिन इनकी ये गाड़ी लैंड माइन पे चढ़ जाती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इसी वजह से गाड़ी आगे नहीं जा पाती है। अब दुश्मन इनकी गाड़ियों पे लगी हुई बंदूकों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसीलिए वो इनकी बंदूकों को टारगेट कर रहे हैं। अब हिंसी का ध्यान अली की तरफ जाता है और उसे समझ आता है कि अली मर चुका है तो हिंसी और डर जाता है और गाड़ी में जो सोल्जर्स है उनमें से एक सोल्जर गाड़ी से बाहर निकलता है। वो दुश्मन के स्नाइपर को खत्म करना चाहता है। वो कमांडर को स्नोबम फायर करने के लिए इशारा करता है। तब कमांडर स्नो फायर करता है जिससे हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है जिसमें दुश्मन को दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। इस धुएं का फायदा उठाते हुए जख्मी और फंसे हुए सोल्जर्स फंसी हुई गाड़ियों में से बाहर निकलते हैं और दुश्मनों को चुन चुन कर मारने लगते हैं। दुश्मन स्नाइपर धुएं की वजह से इनको निशाना नहीं बना पाता। फिर ये सोल्जर्स अली, बिलाल और हिंसी के पास पहुंच जाते हैं और उनको गाड़ियों में बिठाना शुरू करते हैं। वो सभी घायलों को गाड़ियों में बिठा लेते हैं और आखिर में फलासी अली की लाश के पास पहुंच जाता है और अली को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाता है और माफी मांगने लगता है क्योंकि उसकी अली के साथ बहुत बहस हुई थी और अब उसे उस बात का पछतावा होने लगता है। उधर दुश्मन स्नाइपर को ढूंढने के लिए निकला हुआ सोल्जर बड़ी मुश्किल से पहाड़ चढ़कर उस स्नाइपर के पास पहुंच जाता है।
स्नाइपर फलासी को शूट करने ही वाला होता है कि तभी ये सोल्जर बहुत बहादुरी से उस स्नाइपर को खत्म कर देता है। अब हर तरफ दुश्मन मारे जा रहे हैं। इस गोलीबारी के बीच फलासी अली को अपने कंधों पर उठाकर गाड़ी में डाल देता है। अली को इस हालात में देखकर सभी सोल्जर बहुत दुखी हो जाते हैं और सभी सोल्जर गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। और आखिर में स्नाइपर को मारने के लिए गया हुआ सोल्जर भी गाड़ी के पास भागते हुए आता है और गाड़ी में बैठ जाता है। दुश्मनों का सरगना इस सोल्जर को मारने के लिए गोलियां चलाता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और सभी सोल्जर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वहां से निकलकर कमांडर फाइटर प्लेन्स को ऑर्डर देता है कि पहाड़ों में जो दुश्मन मौजूद है उन सबको खत्म कर दिया जाए, और तुरंत प्लेन पहाड़ों पे पहुंच जाते हैं। और इन प्लेन की आवाज से डरकर वो दुश्मन जो हर वक्त अपने फोन कैमरा से वीडियो बना रहा था वो भाग जाता है, और उसके साथ बहुत सारे दुश्मन भी भागने लगते हैं। दुश्मनों को सरगना अपनी इतनी बड़ी हार और आती हुई मौत को देखकर घबरा जाता है, और तभी प्लेन इन पहाड़ों पर हर जगह पर बम गिराकर ब्लास्ट करने लगता है और लगभग सारे दुश्मन मारे जाते हैं। फिर सभी सोल्जर्स बेस कैंप लौट आते हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए भेज दिया जाता है। अली को जब गाड़ी से बाहर निकालते हैं तो बेस कैंप के भी सभी सोल्जर्स सदमे में आ जाते हैं और काफी दुखी हो जाते हैं। फिर अली को बड़े ही सम्मान के साथ यूएई लेकर जाया जाता है और बाकी यूएई के सोल्जर्स भी अपने वतन लौट आते हैं। और बिलाल अली की फैमिली से मिलता है, अली के बेटे को मेडल देता है और अली की बेटी को अली ने अपने हाथों से बनाया हुआ घोड़ा देता है। वो अली से किया हुआ वादा निभाता है कि वो अली की फैमिली का ख्याल रखेगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे दूसरे चैनल फिट मॉम्स क्लब को भी एक बार जाके चेकआउट कर लीजिए, और अगर अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।